हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स इस वीडियो में बात करेंगे जनवरी से 21 जनवरी से 3 फरवरी तक के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फिनेंशियल अवेयरनेस आए हैं ये उसका वीडियो है वीडियो आपके आने वाले एग्जाम्स एक्जा, के लिए आई बी पी एस आर आर बी क्लर्क मेन्स और आई बी पी एस क्लर्क मेन्स दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर चैनल पे आप फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने बजट वाला वीडियो नहीं देखा जो एमसीक्यू रिलेटेड बजट से थे वीडियो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें और पी आपको इसका टेलीग्राम में दे दिया जाएगा जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा शॉर्ट ड्यूरेशन का है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बैंक्स आर लिस्टेड इन आर बी आई डी एस आई बी यानी डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक आर बी आई के घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की सूची में कितने बैंक हैं इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए थ्री तो टोटल

इनका ये एक है कंडीशन द एसेट्स ऑफ दिस बैंक शुड बी एक्सीडिंग टू परसेंट ऑफ जी डी पी सो दिस थ्री बैंक आर टू बिग टू फेल ये तीन बैंक जो हैं बिगेस्ट बैंक ऑफ इंडिया हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में सो दिस थ्री बैंक आर टू बिग टू फेल एस बी आई एस बी आई का हेडक्वार्टर का है मुंबई में चेयरमैन कौन है दिनेश कुमार खारा आईसीआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में एम डी सी ओ कौन है संदीप बख्शी और चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी एच डी एफ सी सो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है सीईओ कौन है इसके शशिधर जगदीशन और चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ तो एच डी एफ सी इंडिया की तरफ से पहला ऐसा बैंक है जो फॉर्च्यून फाइव हंड्रेड लिस्ट ऑफ कंपनीज में भी एंटर किया है दो हजार बीस के तो दो हजार बीस के जो फॉर्च्यून फाइव हंड्रेड लिस्ट टॉप ऑफ कंपनी है उसमें एच डी एफ सी भारत की तरफ से ऐसा बैंक है जो एंटर किया है इस लिस्ट में इन टॉप हंड्रेड विच बैंक हैज लॉन्च्ड ऑरा क्रेडिट कार्ड किस बैंक ने और नामक क्रेडिट कार्ड सर्विस शुरू किया है इसका सही आंसर होगा एक्सिस बैंक सो एक्सिस बैंक हैज लॉन्च एन और क्रेडिट कार्ड फॉर हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशन। और क्रेडिट कार्ड एम डी कौन है एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी हेडक्वार्टर इज इन मुंबई गवर्नमेंट अप्रूव टू इंक्रीज शेयर कैपिटल ऑफ पंजाब एंड सिंध बैंक फ्रॉम थ्री थाउजेंड करोड़ टू हाउ मच तो भारत सरकार ने पंजाब और सिंध बैंक की शेयर पूंजी को तीन हज़ार करोड़ से बढ़ाकर कितने करने की मंजूरी दी है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टेन थाउजेंड करोड़ यानी दस हज़ार करोड़ ये पंजाब एंड सिंध बैंक जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इसमें कैपिटल इन्फ्यूजन करेगी सरकार पचपन सौ करोड़ का और ये अनाउंसमेंट किया है अलॉट बाई अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स तो इसका जो शेयर कैपिटल है पंजाब एंड सिंध बैंक का इसे बढ़ाकर किया जाएगा तीन हज़ार करोड़ से दस हज़ार करोड़ तक के लिए पंजाब में सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली एम डी कौन है एस कृष्णन एस कृष्णन एज पर आरबीआई बी आई बुलेटिन द एसेट्स ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैव ग्रोन हाउ मच एनुअली बिटवीन फिजिकल ईयर टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन टू टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी तो आरबीआई के मासिक बुलेटिन के अनुसार जो वित्तीय वर्ष दो हज़ार से दो हज़ार के बीच लघु वित्त बैंकों की संपत्ति में सालाना कितनी बढ़ोतरी हुई है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 150 परसेंट तो आर बी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बुलेटिन है द एसेट्स ऑफ स्मॉल फिनेंस बैंक इसमें बढ़ोतरी हुई है जो फिजिकली वित्तीय वर्ष है सत्रह अठारह सौ उन्नीस बीस के बीच में इसमें बढ़ोतरी हुई है एक परसेंट की यानी 150 परसेंट इसमें ग्रोथ इंक्रीमेंट हुआ है ठीक है एस स्मॉल फिनेंस बैंक और जो और भी रिपोर्ट है इससे रिलेटेड तो अभी जो मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी के मार्च तक जो ये रिपोर्ट आया था उसमें यह था कि टोटल देश में चार हज़ार तीन सौ यानी फोर थाउजेंड थ्री हंड्रेड सेवन टोटल ऑपरेशनल उपरे, ब्रांचेज है स्मॉल फिनेंस बैंक के एस एफ बी है टोटल हाउ मीनी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि एज पर आर बी आई रिपोर्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटिंग ब्रांचेज ऑफ एस एफ बी टिल मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी तो वो है ये रिपोर्ट रिसेंट रिपोर्ट फोर थ्री जीरो सेवन चार हजार तीन सौ सात और इसका जो कवरेज है सबसे ज़्यादा स्मॉल फिनेस बैंक का ये सबसे ज़्यादा थर्टी नाइन परसेंट सेमी अर्बन एरिया में है थर्टी नाइन परसेंट सेमी अर्बन एरिया में है ट्वेंटी सिक्स परसेंट अर्बन एरियाज़ में है और एटीन परसेंट जो रूरल एरिया है टीयर फाइव और टीयर सिक्स सिटीज़ का उसमें कवरेज है तो स्मॉल फिनेंस बैंक का जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है वो ज़्यादा मात्रा में है वो कहाँ है थर्टी नाइन परसेंट सेमी अर्बन एरियाज़ में और कौन से शहर में मतलब किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है स्मॉल फिनंस बैंक तो ये कवरेज है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में तो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट तो पूछेगा अगर एग्जाम में आपसे कि किस इन विच स्टेट होल्ड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेज ऑफ स्मॉल फिनेंस बैंक तो ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड देन राजस्थान प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स द फर्स्ट स्मॉल फिनेंस बैंक ऑफ इंडिया एस जो पहले एस थे भारत के वो कौन से बैंक थे प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स सेफ पे सिक्योरिटी फीचर लॉन्च्ड बाय सेफ पे जो सिक्योरिटी सुविधा है किस बैंक ने जारी किया है इसे जारी किया गया है एयरटेल पेमेंट बैंक के द्वारा इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सो एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च सेफ पे सिक्योरिटी फीचर फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन विथ इंक्लूडिंग यू एंड नेट बैंकिंग तो एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ लॉन्च सेफ पे आर बी आई अनाउंस्ड रिवाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर बेनिफिट ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन तो किस संगठन के लाभान्वित कर लाभान्वित करने के लिए किस संगठन को लाभान्वित करने के लिए आर ने संशोधित नियामक ढांचे की घोषणा की है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एन नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए बैंक ने आर ने चार लेयर का प्रोपोजल दिया है बैंक के ही तरह इसके नॉर्म्स एंड रेगुलेशन होंगे वो टोटल चार लेयर है जो जिसको कहा गया है रिवाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और ये नया है एन के लिए बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के लिए एज पर अंक टैड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट द थर्टी एट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट इंडेस एफडीआई इज तो अंकटेट के थर्टी एटवे अड़तीसवें वैश्विक निवेश सूचकांक मॉनिटर के अनुसार भारत में एफ डी आई की वृद्धि या कमी हुई है क्या है इसका सही जवाब इसका होगा आंसर ऑप्शन डी इंक्रीज बाई थर्टीन परसेंट यानी तेरह परसेंट का इसमें इजाफा हुआ है थर्टीन परसेंट विथ टोटल अमाउंटिंग फिफ्टी सेवन बिलियन डॉलर पोस्ट कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक तो लास्ट ईयर से लेके अभी तक जो अंकटा नए यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड एग्रीमेंट इसने एक रिपोर्ट निकाला है थर्टी एट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट तो इंडिया की एफ रेट जो है इसमें बढ़ोतरी हुई है थर्टीन परसेंट की जो फिफ्टी सेवन बिलियन डॉलर का वैल्यू है और जो ओवरऑल ग्लोबली है जो ग्लोबली उसमें फोर्टी टू परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है जो एफ डी आई रेट है ऑल ओवर ग्लोबली उसमें फोर्टी टू परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है और अगर कंट्री वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा चाइना में बढ़ोतरी हुई है तो चाइना में फोर परसेंट एफ डी आई की बढ़ोतरी हुई है और अमाउंटिंग टू वन सिक्सटी थ्री बिलियन डॉलर वन सिक्सटी थ्री बिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू से चाइना में एफडीआई की बढ़ोतरी हुई है वो चार परसेंट हुई है और ग्लोबली फोर्टी टू परसेंट डिक्रीज हुआ है और इंडिया में थर्टीन परसेंट इंक्रीज हुआ है ये अंकटेड ने रिपोर्ट निकाला है अंकटे का हेडक्वार्टर कहाँ है जीनीवा है और सेक्रेटरी जनरल कौन है मुखीशा कितुई मुखिशा कितुई एज पर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई एम एफ द ग्लोबल पब्लिक डेप्ट विल टच डैश ऑफ जेडीपी एमिट कोविड क्राइसिस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जो कोविड संकट के बीच ग्लोबल पब्लिक डेप्ट जी के कितने प्रतिशत बढ़ी है जी के कंपेरिजन में पब्लिक डेप्ट इसका सही आंसर होगा नाइन्टी एट परसेंट तो पब्लिक ग्लोबल पब्लिक डेप्ट विल टच नाइन्टी एट परसेंट ऑफ जीडीपी डी एमिट कोविड क्राइसिस और ये कोविड नाइन्टीन से पहले था एटी फोर परसेंट और ये भारत सरकार ने भी एक रिपोर्ट निकाला तो इंडिया गवर्नमेंट जो भारत सरकार, सरकार का जो डेप्ट है कर्ज है इट विल आल्सो एलिवेटेड टू 83 परसेंट ऑफ जीडीपी 83 परसेंट ऑफ जीडीपी जो भारत सरकार का जो इंडियन गवर्नमेंट का जो डेप्ट है वो 83 परसेंट ऑफ जीडीपी है और जो ग्लोबल पब्लिक डेप्ट है वो है नाइन्टी ऑफ जी आफ्टर कोविड नाइन्टीन आई का हेड क्वार्टर का है वाशिंगटन मेम्बर कंट्रीज कितने टोटल वन और इसके एम कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना गोरजीवा क्रिस्टेलिना गोरजीवा और इकोनॉमिक काउंसलर और एडवाइजर कौन है गीता गोपीनाथ इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल एस्टैब्लिश बाय तो इनोवेशन सैंडबॉक्स वेब पोर्टल किसने किसके द्वारा शुरू किया गया है ये शुरू किया गया है बी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा तो बी एस हैज स्टार्टेड इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल फॉर वर्क फ्लो प्रोसीजर्स एंड इनोवेशंस बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इस्टेब्लिशमेंट है इसका मुंबई एम डी एमडीसीओ कौन है आशीष कुमार चौहान एज पर ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल फाइव हंड्रेड स्ट्रांगेस्ट ब्रांड विच कंपनी टॉप तो ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 सौ के to अनुसार कौन सी कंपनी वैश्विक स्तर पर शीर्ष रैंक पर है इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वी चैट तो वी चैट इज द टॉप इन ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल और इंडिया की तरफ से रिलायंस जियो फिफ्थ पोजीशन पे है रिलायंस जियो की रैंकिंग क्या है फिफ्थ पोजीशन पे है विथ ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स नाइन्टी वन परसेंट ए प्लस प्लस कैटेगरी ए ट्रिपल प्लस कैटेगरी में ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स है नाइन्टी रिलायंस जियो का सो इट हैज़ एंटर्ड इट हैज़ मतलब पाँचवें रैंक पे है रिलायंस जियो और द लिस्ट हैज़ टॉप बाई वी चैट सेकेंड नंबर पर है फरारी थर्ड नंबर पे है रशियन बैंक एस बी ई आर एस बी ई आर थर्ड पोजिशन पर और फोर्थ पोजिशन तो पर है कोका कोला तो फर्स्ट पे वी चैट सेकेंड पर फरारी थर्ड रैंक पर है रशियन बैंक है एस बी ई आर फोर्थ पोजिशन पे कोका कोला और फिफ्थ रैंक पे है रिलायंस जियो लंडन बेस्ड ब्रांड फिनेंस और जो अदर इंडियन ब्रांड है इस लिस्ट में वो है टाटा ग्रुप है सेवेंटी सेवन्थ रैंक पे एल आई सी है टू हंड्रेड सिक्स रैंक पर और इन्फोसिस है दो सौ बारह रैंक पर गवर्नमेंट अप्रूव्स हाउ मच अमाउंट फॉर स्टार्टअप इंडिया सीट फंड स्कीम तो सरकार ने स्टार्टअप इंडिया सीट फंड स्कीम के लिए कितने की मंजूरी दी है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है नाइन फोर्टी फाइव करोड़ तो नौ सौ पैंतालीस करोड़ की मंजूरी दी है स्टार्टअप इंडिया के तहत सीट फंड स्कीम के लिए अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं लास्ट के बारह तेरह दिनों के एज पर बजट द अमाउंट टू बी एलोटेड फॉर बैंक रिकैपिटलाइजेशन बाय द गवर्नमेंट तो बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए कितने अमाउंट की घोषणा हुई है बीस हजार करोड़ बजट वाले वीडियो आप जरूर देखिएगा एम सी क्यू विच बैंक लॉन्च इंस्टा एफेक्ट एप फॉर फॉर एक्स पार्टनर फॉर फॉर एक्स प्रीपेड कार्ड आई सी आई सी आई बैंक एज पर ऑक्सफर्म रिपोर्ट इंक्रीज इन वेल्थ ऑफ इंडियन बिलेयर्स ड्यूरिंग लॉकडाउन इज थर्टी फाइव परसेंट तो पैंतीस परसेंट की बढ़ोतरी हुई है के जो वेल्थ में और उसका अमाउंटिंग था कितना ट्वेल्व नाइन सेवन एट ट्वेंटी टू करोड़ एज पर आर बी आई ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज फेल टू फोर्टी टू परसेंट तो जो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है उसमें बयालीस परसेंट का ये हुआ गिरावट हुई है कंपेयर टू डिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन कृषि सखा ऐप फॉर फार्मर्स लॉन्च्ड बाय भारतीय एक्सा जी डी पी प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्शन इन फिजिकल ईयर ट्वेंटी वन जो कमी होगी जी डी पी में आई एम एफ के द्वारा एट परसेंट फिक्की के द्वारा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एट परसेंट और एन एस ओ के द्वारा चार परसेंट धनलक्ष्मी बैंक अपॉइंट्स न्यू एम डी सी ओ जे के शिवन फॉर नेक्स्ट थ्री ईयर्स स्टैश फिन पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च अ कॉन्टैक्ट प्रीपेड कार्ड एस बी एम बैंक स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस एस बी एम बैंक इंडिया एस बी एम बैंक के साथ स्टैश फिर ने स्टैश फिर ने पार्टनरशिप किया है फॉर लॉन्चिंग अ कॉन्टैक्ट लेस प्रीपेड कार्ड तो यह था इक्कीस जनवरी से तीन फरवरी तक का बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस आपके आई पी एस क्लर्क मेन्स आर आर बी असिस्टेंट इस दोनों एग्ज़ाम्स के लिए और जो बाकी एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग